एक तरफ सिंध में कोरोना वायरस तो दूसरी जानब टिड्डी दल के दूसरे हमले से नवाब शाह के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला नजर आते हैं। इस बारे में रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे रिजवान थेबो। सिंध के बासी पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार हैं, तो वहीं शहीद बेनजीर आबाद के काश्तकारों पर टिड्डी दल हमला बिजली बनकर गिरा, जहां मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। जो टिड्डी दल ने जो हमला किया है बहुत भारी नुकसान का अंदेशा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आला हुकाम से और गवर्नमेंट सिंध से सिक्योरिटी ज़रात से, तो बराए मेहरबानी कोई नोटिस लें। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीर आबाद इब्रार अहमद जाफर का कहना है कि टिड्डी दल के मुतासर इलाकों में स्प्रे कराया जा रहा है। लॉकडाउन के शिकार काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए मोसर इकदाम करे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रिजवान थे वो एआरवाई न्यूज नवाबशाह। फसलों पर टिड्डी दल के हमले, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा, सुबह में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और वफाकी वजीर बराए गजाई तहफ़ फिर गायब हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पिछले साल भी सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। वफाक टिड्डी दल हमले रोकने में नाकाम रहा तो एक और तबाही यकीनी है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने सिंध के टिड्डी दल पर बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है, टिड्डी दल के खतरे से निमटने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल से निमटने के लिए फंड्स पर 3 इजलास बुलाए। टिड्डी दल ने सिर्फ सिंध नहीं दीगर सूबों पर भी हमला किया।